लास्ट पेज का सेशन, पेज नंबर 96, 97 और 98। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हिस्टोरिकल है। मैं तो ऑलमोस्ट ये रूम्स में, पैलेस में मैं तो अकड़ गई हूँ, जकड़ गई हूँ। तो आप इमेजिन करिए कि बच्चों आप यहाँ बैठे हो, पैलेस है, बैठे हो, ब्यूटीफुल कारपेट्स हैं, कर्टन्स हैं, फाउंटेन हैं और सब जगह सब चल रहा है, टेरेंस है। और वेयर डज द तो बच्चों हम कहाँ थे, तो व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज कैन यू सी, हाउ मेनी पीपल वर्क हियर, व्हाट डू दे डू, व्हाट आर दे वेयरिंग, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क। तो आपको यहाँ पे इमेजिन करना है क्राफ्टमैन कैसे हैं, कार्विंग कर रहे हैं, वीजल कर रहे हैं, चिलर्स कर रहे हैं, हैमर ये सब यूज़ कर रहे हैं, स्टोन को कार्विंग दे रहे हैं, डस्ट उड़ रहा है, एयर चल रहा है और ये स्टोन और डस्ट है, हार्म करते हैं हमें, बट कुछ हो नहीं रहा। म्यूजियम आफ्टर सीन ऊपर कोट द चिल्ड्रन वर ऑल्सो वेंट टू द म्यूजियम, जूनागढ़ गए और मैनी एशियन थिंग्स को देखा इन्होंने, जैसे पॉट्स हैं, वेसल्स हैं, ज्वेलरी है, स्वॉर्ड्स हैं, हावर्ड है, अंबानी अमदाबी है, टू पुट ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट पे जो अच्छे से काम करते हैं, चिसल है, बेजल है, ये सब हैमर है जिससे पूरा काम वो करे और अच्छे से चिल करे और अच्छे से पूरा कार्विंग करे, वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। तो आप देख सकते हो म्यूज़ियम में क्या क्या था, ज्वेलरी वगैरह पन वो लोग ने देखी है बच्चों, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो जूनागढ़ में हमको ये सब भी देखने मिला। फिर ओ वाई आर दीज आउडर्स मीन्स सीट यूज ऑन द एलिफेंट, तो ये सब पैलेंक्विन मीन्स डोली, ओके, पैलेंक्विन मीन्स डोली। देखो डोली आपको दिख रही है वहाँ पे, कैप देयर, दिस इज इट इज थॉट ऑफ दीज थिंग्स एंड वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज डेज लिव्ड, क्या उनका रहना था, व्हाट डिड दे यूज एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे मेड एंड ऑल दिस वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर, हाउ वुड वी नो सो मच अबाउट दीज। तो बच्चों आपको इनकरेज कर रही हूँ मैं कि आप अच्छे से एल्डर्स से पूछिए, नेबर्स में पूछिए, अगर आपको इनका बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है हिस्ट्री को, तो ये चीज़ है यहाँ पे बच्चों। राइट व्हाट काइंड्स ऑफ पॉट्स वुड यू लाइक टू सी अराउंड, तो वो कह रहे हैं कि थैंक यू आपने इतना पढ़ा, इतना अच्छे से किया, तब जाके हमको इतना अच्छा अच्छा देखने मिला, नहीं तो हमको कैसे पता चलता कि रजवाड़ो लोग ये सब यूज़ कर रहे थे बच्चों। तो गेट इन्फॉर्मेशन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप बात कीजिए क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है। हैव यू बीन टू म्यूज़ियम, आपने कोई देखे हैं, हाँ अगर म्यूज़ियम की बात करें तो हम भी गए हैं वडोदरा, वहाँ पे भी म्यूज़ियम है, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ का बहुत बड़ा वहाँ म्यूज़ियम, तो आप देख सकते हो। और हाउ ओल्ड इज़ अ बिल्डिंग, हाउ डिड यू फाइंड इट, ये सब क्वेश्चन आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हो, किससे बनी है, वॉट कलर इट इज़। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे कॉलेज के वक्त भी थोड़े थोड़े टुकड़े उनके जो उनका पेंडल था वो सब गिर रहे थे, तो लोग वहाँ आए थे, इकट्ठा कर रहे थे और उसको कलर करके अच्छे से रख रहे थे। तो कार्विंग्स भी आप देखना, लोग दूर दूर से आते थे ड्रॉ करने के लिए कि कितना अच्छे से उन्होंने बनाया है, ओल्डन डेज के दिन कैसे थे, वो कैसे रहते थे, क्या एक्टिविटीज़ चलती थी, तो ये सब बातें जानना अनिवार्य है। डू पीपल लिव देयर स्टिल, अभी भी, तो आप बच्चों को क्या कर सकते हो, हिस्ट्री मैप्स, फिर आप थिंग्स बुक्स रिकॉर्ड्स लेजर्स वहाँ हैं तो आप वो देख सकते हो। क्रिएट योर ओन म्यूजियम, तो बहुत फंटास्टिक पोएम सेशन है यहाँ पे, आप अपना खुद का बना सकते हो म्यूजियम, आप खुद अपना ड्राइंग कर सकते हो बच्चों। देखिए रजनी टीचर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल इन मालापुर
डिस्ट्रिक्ट इन केरला. शी हैज़ कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स हाउसेज टुगेदर विद द चिल्ड्रन इन द क्लास एंड लाइक ओल्ड वॉकर्स वॉकिंग स्टिक्स लॉक्स एंड ये सब बातें उन्होंने अच्छे से इकट्ठा की है बच्चों. तो काफ़ी तो लाइक ओल्ड वॉकिंग लॉक्स अम्ब्रेलाज ये सब उनके पास है. पादुकास वुडन स्लीपर्स पॉट्स एक्सेट्रा. दे ऑल्सो सॉ दैट दीज थिंग्स लाइक लुक लाइक टूडे रागिनी एंड द चिल्ड्रन अरेंज एंड एग्जिबिशन विच पीपल आए थे वहाँ पर. ये सब उन्होंने देखा. यू कुड ऑल्सो डू दिस. आप अपने भी स्कूल में कर सकते हो. अगर आपके पास कुछ पुराने आइटम्स पड़े हैं तो इसको एग्जिबिट कर सकते हो. लुक एट द पेंटिंग्स एंड टेल दिस पेंटिंग इज़ अबाउट 500 ईयर्स ओल्ड. इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड. व्हाट थिंग्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग. हाउ मैनी मैन एंड वोमेन आर वर्किंग. सी हाउ दे आर टॉकिंग. द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप. इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स डाउन द स्लोप एंड और स्ट्रेट अप. तो देखो ये उठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है. कैन यू सी द मैन कैरिंग द वाटर इन द मशक लेदर बैग. तो देखिए यहाँ पे वो लोग ले जा रहे हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो लेदर बैग में पानी ले जा रहे हैं बच्चों. और व्हाट वी हैव लर्न कि संगीता थिंग्स दैट देर इज़ नो पॉइंट इन क्रिएटिंग म्यूजिक बाई कीपिंग ओल्ड थिंग्स. हाउ वुड यू कन्विंस दे आर द इम्पॉर्टेंट हैव म्यूजियम एंड वाई डू यू थिंक दैट चैप्टर इज नेम स्टोरी ऑफ वॉल्स. क्योंकि स्टोरी ऑफ वॉल्स बहुत ही उम्दा टॉपिक है. वो हर एक कहते हर एक दीवार आपको एक स्टोरी बताती है बच्चों. इसीलिए अप्रोप्रिएट है ये टॉपिक हमारा कि स्टोरी ऑफ वॉल्स. तो बहुत ही अच्छे से इनका आयोजन हुआ है. बहुत अच्छे से इनको बोला गया है कि स्टोरी ऑफ वॉल्स. तो पेज नंबर 98 यहीं पे फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट सेम में मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में. अच्छे से लर्न करना, अच्छे से रहना और बहुत ही अपने आप को प्रोटेक्टिव रखना, प्रिजर्व करना नेक्स्ट सेम के लिए. तो हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. इसके साथ हमारा ये सेशन 5th एनवायरनमेंट ख़त्म हुआ. 1st सेम का कोर्स ख़त्म हुआ. बाय बाय. टेक केयर.